हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। अब आप बोलोगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से फ्रेंड्स नए शब्दों की रचना होती है। तो अब इन दो टॉपिक को आज सीख कर नए शब्द बनाना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग सीखेंगे। उपसर्ग क्या है, व्याख्या उदाहरणों द्वारा उसके प्रकार भी सीखेंगे। उसके बाद हम प्रत्यय सीखेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग कुछ इस प्रकार उसकी व्याख्या होगी। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे उन उदाहरणों द्वारा हम समझेंगे। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। स प्लस बल, सबल। दुर प्लस बल, दुर्बल। तो फ्रेंड्स, ये जो सु स और दुर है जो सार्थक शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपयुक्त शब्दों में पुत्र शब्द में सु जोड़कर सुपुत्र बना है। इसी प्रकार बल शब्द में स जोड़कर सबल तथा दुर जोड़कर दुर्बल बना है। सु स और दुर शब्दांश हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर विशेष अर्थ देते हैं। इस प्रकार के शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग के पांच भेद हैं। भेद यानी प्रकार। नंबर एक, संस्कृत के उपसर्ग। दो, हिंदी के उपसर्ग। तीन, अरबी और फारसी के उपसर्ग। चार, उपसर्गों की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। और पांच, अंग्रेजी के उपसर्ग। फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी भाषा है इन सब भाषाओं के मेल से बनी है। संस्कृत के भी शब्द हैं, अरबी फारसी के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं। तो इन सब के उपसर्ग भी होते हैं और इनकी रचना से नए शब्द भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग और उनका अर्थ क्या होता है और उदाहरण। जैसे प्रति, प्रति यानि हर एक, विरुद्ध। और उदाहरण, प्रति प्लस क्षण प्रतिक्षण, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, प्रति प्लस कुल प्रतिकूल। वी, वी यानि उसका अर्थ होता है विशेषता अभाव या भिन्नता। तो वी प्लस जय विजय, वी प्लस नय विनय, वी योग वियोग, वी शेष विशेष, वी ज्ञान विज्ञान। अब सु उपसर्ग। सु यानि उसका अर्थ होता है अच्छा शुभ सहज या सरल। तो अब नए शब्दों की रचना कुछ इस प्रकार होगी। सु पुत्र, सु लव, सु कर्म, सु शिक्षित, सु बुद्धि, सु रक्षित। अब पुनः पुरस, तो उसका अर्थ होता है सामने। पुह प्लस कार पुरस्कार, पुरोहित पुरोहित वगैरह। तो इस प्रकार के आपकी स्क्रीन पर अन्य उपसर्ग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि संस्कृत के उपसर्ग हैं, उनका अर्थ है, फिर उसके उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। जैसे कु, कु यानि बुरा, कु रीति, कु मार्ग, कु बुद्धि, कु विचार, कु तिल, कु पुत्र, कु कर्म। उन अर्थ होता है काम। उन निस, उन सठ, उन चास, उन तालिस। ऐसे अन्य उदाहरण भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे अ अन भर अध पर नि। तो उसके अर्थ और उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अरबी और फारसी के उपसर्ग।
गैर, ला, कम, सर, ना, हम, उनके अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। गैर यानी अनुचित, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी। ला यानी नहीं, बिना, ला पता, ला चार, ला इलाज, ला परवाह, ला वारिस, ला वारिस। अब कम, कम यानी अल्प। उदाहरण, कम उम्र, कम जोर, कम वक्त, कम अक्ल। फ्रेंड्स, इन सब उदाहरणों से भी हम समझेंगे कि उपसर्ग जो अरबी फारसी के हैं उनका अर्थ क्या होता है और उनके उदाहरण। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे उपसर्गों की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। अब उपसर्ग हैं सम और स्वर। उपसर्ग का अर्थ होता है सम यानी अच्छा, पूर्ण, संयोग सहित। उसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है, सम प्लस पति संपत्ति, समता, संवाद, सम्मुख, सम्मिलित, सम्मिलित। नेक्स्ट, स्व यानी अपना। स्व का अर्थ होता है अपना। उदाहरण कुछ इस प्रकार होंगे, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वाभिमान, स्वार्थ। तो फ्रेंड्स, अब अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग हैं डिप्टी, हेड, हाफ वगैरह। तो उसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा, उदाहरण कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। डिप्टी यानी उप, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर यानी ऊपरी अधिकारी। अब हेड, हेड यानी उच्च, हेड मास्टर, हेड नर्स, हेड ऑफिस, हेड क्लार्क। उपसर्ग है हाफ, अंग्रेजी का उपसर्ग। हाफ यानी आधा, हाफ बाजू, हाफ कोट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक बार और अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं और समझेंगे उपसर्ग। आपकी स्क्रीन पर ये तीन चित्र दिखाई दे रहे हैं। जो बीच वाला सर्कल है येलो कलर का, उसमें उपसर्ग दिए गए हैं। इन उपसर्गों के माध्यम से नए शब्दों की रचना हम देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा गुण, योग और देश। तो निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे शब्दांश और नया शब्द। शब्दांश है दूर, दूर उपसर्ग है, दूर प्लस गुण, दुर्गुण, स प्लस गुण, सगुण, प्र प्लस योग, प्रयोग, वी प्लस योग, वियोग, स्व प्लस देश, स्वदेश, उप प्लस देश, उपदेश, निर प्लस गुण, निर्गुण, अव प्लस गुण, अवगुण, सम प्लस योग, संयोग, उप प्लस योग, उपयोग, वी प्लस देश, विदेश, अनु प्लस देश, अनुदेश। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको कोई भी उपसर्ग दिया हो तो आपको मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाने आ गया होगा। जैसे इसमें हमने जो उदाहरणों में देखा, दूर, नीर, स, औ, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु, ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है, तभी इनका मूल्य बनता है और नया शब्द बनता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग पांच प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्गों की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय।
और अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ पर आपको एक कोष्टक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उनके अर्थ और उदाहरण भी दिए गए हैं। निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़िए और समझिए। अ यानि कभी नहीं, निषेध, उदाहरण के तौर पर अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अ प्लस गम अगम, अ प्लस मर अमर, अ प्लस छूत अछूत, अ प्लस चुक अचूक। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये उदाहरण दिए गए, आपको यहाँ पर उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं और उनसे बनने वाले शब्द भी दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्गों के साथ मूल शब्द जोड़कर नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं, आज हमने सीखा। तो एक एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित उपसर्गों से योग से तीन तीन शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चौ, बिन, पर, अन्न, अध। तो चौ उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाना है। चौ यानि चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई वगैरह। बिन, बिन यानि निषेध, बिना, तो बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे। पर, पर यानि पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी। तो इसके शब्द हम नए ऐसे कुछ बनाएंगे, परदेश, परलोक, परदादा, परपोता वगैरह। अन्न, अन्न यानि नहीं, अभाव, निषेध, तो अन प्लस पढ़, अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। अब अध, अध यानि आधा, अध पक्का, अध मरा, अध जला, अध खिला वगैरह। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज द्वारा हमने और अच्छे से समझ लिया कि उपसर्ग का क्या काम होता है भाषा में, उपसर्ग से नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं और उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो आशा रखती हूँ आपको ये टॉपिक उपसर्ग समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, चलें हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रत्यय। अब प्रत्यय किसे कहा जाता है और प्रत्यय की व्याख्या, उसके उदाहरणों द्वारा हम अब प्रत्यय सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। जैसे खेत प्लस ई खेती, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, चित्र प्लस कार चित्र कार। उपयुक्त उदाहरणों में अंत में क्रमशः ई, आई तथा कार का प्रयोग किया गया है, ये प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानि जो प्रत्यय क्रिया धातु के रूप के बाद लगते हैं तथा संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे तैराक, कसौटी, लिखावट इत्यादि। कृत प्रत्यय पांच प्रकार के होते हैं, जैसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो अब कृतवाचक कृत प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाकर बनाए गए हैं वे शब्दों को कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कृत प्रत्यय अर्थात कर्तृ प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दिख रहे हैं, प्रत्यय इया, आका, एया, इयन। मूल शब्द है चूहा, लोटा, लड़, उड़, पढ़, गा, अड़, मर।
अब इनसे नए शब्द बनेंगे ईया और चूहा चूहिया, लोटा प्लस ईया लुटिया, आका प्लस लड़ लड़ाका, आका प्लस उड़ उड़ाका। ए या प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द पढ़ और गा जोड़कर नए शब्द बनेंगे पढ़ प्लस ए या पढ़ैया, गव गा प्लस ए या गवैया, ईयल प्लस अड़ और मर शब्द, तो अड़ प्लस ईयल अड़ियल, मर प्लस ईयल मरियल। अब ऐसे ही कुछ दूसरे प्रत्यय भी हम देखेंगे। अक्कड़, कूद और घूम शब्द मूल हैं, तो कूद प्लस अक्कड़ कुदक्कड़, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, हार प्लस होन होनहार, हार प्लस पालन पालन हार। वाला के साथ घर जुड़ेगा तो घर वाला, रख प्लस वाला रखवाला। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ऊ वान, खा प्लस ऊ खाऊ, चाल प्लस ऊ चालू, बल प्लस वान बलवान, धन प्लस वान धनवान। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रत्यय जो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों से कर्म का बोध हो उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय के उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, नी और हुई, ओढ़ प्लस नी ओढ़नी, सूंग प्लस नी सूंगनी, हुई सुन प्लस हुई सुनी, देख प्लस हुई देखी हुई। अब दूसरे पत्ते इसी प्रकार देखेंगे, ना बचा प्लस ना बचाना, गा प्लस ना गाना, बीच प्लस ओना बिछौना, खेल प्लस ओना खिलौना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्यय क्रिया के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों से क्रिया अर्थात करण का बोध हो उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है आ और नी और उनके मूल शब्द है आ प्रत्यय, तो भूख प्लस आ भूखा, मैल प्लस आ मैला, सूंग प्लस नी सूंगनी, चट प्लस नी चटनी। ऐसे ही दूसरे प्रत्यय हैं बोल प्लस ई बोली, रेत प्लस ई रेती, गा प्लस ना गाना, बोल प्लस ना बोलना। अब भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों के भाव का बोध होता हो उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप प्लस मिल मिलाप, पूज प्लस आप पूजा, चढ़ प्लस आन चढ़ान, थक प्लस आन थकान। इसी प्रकार दूसरे भी आपकी स्क्रीन पर दिख गए हैं, जैसे आई अंत आवट लिख प्लस आई लिखाई, बढ़ प्लस आई पढ़ाई, भीड़ प्लस अंत भिड़ंत, रट प्लस अंत रटंत, थक प्लस आवट थकावट, सज प्लस आवट सजावट। इसी प्रकार आपकी स्क्रीन पर दूसरे प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द भी दिखाई दे रहे हैं जो इस प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय देखेंगे। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाकर बनाए गए नए शब्दों से क्रिया होने के भाव को बोध कराएं उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द दिए गए हैं, सुख प्लस आ सूखा, खिल प्लस आ खिला, कर
प्लस पढ़ प्लस कर पढ़कर, खा प्लस कर खाकर, हंस प्लस ते हंसते, बोल प्लस ते बोलते, खेल प्लस ता खेलता, बोल प्लस ता बोलता। इस प्रकार ये सब क्रियावाचक कृत प्रत्यय हैं। अब हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा विशेषण सर्वनाम अव्यय के बाद लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मास प्लस इक मासिक, धर्म प्लस इक धार्मिक। तद्धित प्रत्यय के छह प्रकार होते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय और कर्मवाचक, भाववाचक, संबंध और लघुतावाचक प्रत्यय बारी बारी से देखेंगे। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। ई लालच प्लस ई लालची, शास्त्र प्लस ई शास्त्री, पूजा प्लस आरी पुजारी, जुआ प्लस आरी जुआरी, बाल प्लस क बालक, चाल प्लस क चालक, दुकान प्लस दार दुकानदार, जमीन प्लस दार जमींदार, लक्कड़ प्लस हारा लक्कड़हारा, पानी प्लस हारा पनिहारा। अब क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रम संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। तीन प्लस गुना तीन गुना, चार प्लस गुना चौगुना, एक प्लस ला पहला, एक प्लस हरा एक हरा, दो प्लस हरा दोहरा। इस प्रकार ये सब संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जो तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। पन अपना प्लस पन अपनापन, बच्चा प्लस पन बचपन, लघु प्लस त्व लघुत्व, मम प्लस त्व ममत्व, लिख प्लस आवट लिखावट, बना प्लस आवट बनावट, मीठा प्लस आस मिठास, खट्टा प्लस आस खटास, मोटा प्लस आपा मोटापा, बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय समझ में आ गया। नेक्स्ट संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर बनाए गए नए शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रत्यय मूल शब्द नए शब्द। मम प्लस एरा ममेरा, फूफा प्लस एरा फुफेरा, इक प्लस नीति नैतिक, दिन प्लस इक दैनिक। अब लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर फिर से प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द दिख रहे हैं। टोकरा प्लस ई टोकरी,
छोकरा प्लस ई छोकरी, डिब्बा प्लस ईया डिबिया, खाट प्लस ईया खटिया। तो फ्रेंड्स समझ गए लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय देखेंगे, जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द दिख रहे हैं। सूत प्लस आ सुता, शिष्य प्लस आ शिष्या, पंडित प्लस आइन पंडिताइन, गुरु प्लस आइन गुरुआइन, शेर प्लस नी शेरनी, मोर प्लस नी मोरनी, धोबी प्लस इन धोबिन, नाग प्लस इन नागिन। तो फ्रेंड्स स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय और नए शब्द समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स अब हम उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है देखेंगे। उससे पहले फिर से एक बार हम प्रत्यय को समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सर्कल में जो हैं वो प्रत्यय हैं और ब्लू लाइन में हैं जो मूल शब्द हैं। अब ये जोड़कर नए शब्द बनते हैं। जैसे लड़ प्लस आई लड़ाई, लड़ प्लस आई लड़ाई, लड़ प्लस आका लड़ाका, चाचा प्लस ई चाची, चचेरा एरा चाचा प्लस एरा चचेरा, दया प्लस आलू दयालु, दया प्लस वान दयावान। अब इन उदाहरणों को हमने समझ लिया। तो फ्रेंड्स अब इससे लगती एक एक्सरसाइज भी हम देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। जैसे मनुष्यता, तो इसमें कौन सा प्रत्यय, मनुष्य प्लस ता तो ता प्रत्यय है। धनवान, धन प्लस वान यानी वान प्रत्यय है। रसोई प्लस इया रसोईया, तो रसोई इसमें जो इया है वो प्रत्यय है। टोकरी, तो टोकरा प्लस ई टोकरी। इक प्लस हरा इक हरा, तो हरा प्रत्यय है। धोखा प्लस बाज धोखे बाज, तो जो बाज है वो प्रत्यय है। बल प्लस वती बलवंती, तो बलवान प्लस ई बलवंती। भाग्यवान भाग्य प्लस वान भाग्यवान, तो जो वान है वो प्रत्यय है। फ्रेंड्स एक्सरसाइज द्वारा फिर से हमने सीख लिया कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के उदाहरणों द्वारा नए शब्द बनाना भी हमने सीखा। प्रत्यय के हमने प्रकार भी देख लिए। तो फिर से एक बार दोहराते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार होते हैं, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से प्रत्यय भी सीख लिया। अब उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है वो भी हम देख लेते हैं, तो हमें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय, उनकी व्याख्या, उनके प्रकार, उनके उदाहरण द्वारा हमने सीख लिया। अब फिर से एक बार सीख लेते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। उपसर्ग, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग के लगने से शब्द के अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। अब प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय के लगने से शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन नहीं होता।
प्रत्येक के दो भेद होते हैं जो हमने सीख लिए। तो आपको समझ में आ गया उपसर्ग प्रत्यय, नए शब्द बनाने भी आ गए होंगे। आशा करती हूँ कि ये दो टॉपिक आप अच्छे से समझ लिए होंगे। इससे लगती जो भी एक्सरसाइज होगी, जो भी उदाहरण होंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें। ओके, बाय बाय।